पैसा भी पूरा देख रहे हैं। दुकानदार एक दो दुकानदार से पूछने का मुताबिक उन लोगों से पता चला कि मोबाइल दुकान से आपका क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट के वजह से चला है, तो उसमें इमीडिएटली उसको फायर एक्सटिंग्विशर मारा था तो उसको सेव नहीं करता क्योंकि अंदर में मोबाइल होने की वजह से मोबाइल का बैटरी का वो वजह से कुछ फटना वटना शुरू होने की वजह से ना उसको आग को बचा लेता। जितना तक जब तक कोशिश करते करते ना आग पहले शुरू हो गया तो उसका मोबाइल दुकान का कोई और मोबाइल दुकान था उसके बाद बुक स्टोर था वो एक ही साथ जल गया। तो लास्ट उस तरफ भी मेरा माँ का दुकान था उसके फार्मासी था, फार्मासी का मालिक मैं हूँ। वो मतलब क्या बताए पूरा बचाए नहीं, अभी जल गया पूरा खत्म। नुकसान तो देखिए एक दुकान रख के एक दो तीन चार चार पांच दुकान तक करते हाँ पांच दुकान में तो अभी हैवी बहुत नुकसान हुआ। बोले आपका मोबाइल दुकान का जो मेन जहाँ से हुआ तो वो दुकान बाजू वाला के था मोबाइल उसका भी जला, वो भी बचाए नहीं पाया कुछ भी। बुक स्टोर का तो बहुत खराब से जला है, ऑलमोस्ट आपको क्या बताया 100 में से 99 कुछ समथिंग है, एक दो सामान ही निकला, ऑलमोस्ट मतलब 99.99 समथिंग पूरा जली चुका है, बचा नहीं एक भी बचा नहीं। तो आग फैल रहा था तो इधर में कपड़ा दुकान था इस तरफ बाजू में, कपड़ा दुकान वालों को तो बचा ले, नहीं तो आग पूरा और फैलना था। और फायर ब्रिगेड वालों को भी हम बहुत थैंकफुल है, बहुत थोड़ा बहुत इनिशिएटिव बहुत जल्दी आया, नहीं तो कभी कभी दो तीन घंटा लगता, आज कम से कम हार्डली आधा घंटा ऐसे लगा होगा, आधा 40-45 मिनट में पहुंच गया। फायर ब्रिगेड तो मेरे हिसाब से ना हिसाब से क्या बताएगा, अभी सही मायने में कहेगा तो फायर ब्रिगेड तो हर एक पुलिस थाना का जंक्शन में एक रखना ही चाहिए। आपको न्यू दिल्ली में रखना है, दोनों में भी एक रखना है, क्योंकि देखिए आप तो पुलिस में इतना भर गया, ये तो रहा आपका मार्केट का अंदर दुकान चलने वाला, आज तो कितना घर घर में कॉलोनी या दोनों में कितना पॉपुलेशन है, कितना कॉलोनी है, तो बहुत बहुत जरूरी है फायर ब्रिगेड ये यहाँ रखना, हर जगह पे एक एक जगह पे रखना। नाहरलगन से कभी कभी आज तो गनीमत यह है, आज बहुत अच्छा है, बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग की आज संडे का दिन था, प्लस आपका ट्रैफिक नहीं था, बोल के जल्दी पहुँच पाया शायद, ट्रैफिक होता तो वो भी इम्पॉसिबल नहीं था। एक्सीडेंट आपको रिसेंटली रास्ता में मैं जोर से निकाल के पूरी तरह से जा रहा था, सुना है कि यहाँ पर दोनों में आग जल रहे थे, हमने रिसेंटली सुनकर दाग आया देखा है तो ये तो दोनों मार्केट के ऊपर जल के ख़त्म हो गया, फायर सर्विस रेट आ गया गाड़ी जो जल्दी आना चाहता, हमारा यहाँ किसने जल्दी नहीं आना चाहता, ये हमारा रिजन है, हम दोनों में हमारा नियर किसी को है, ये हमारा किपितुल है, यही दोनों सामने में है, सामने होते हुए हमारा दोनों में ये फायर सर्विस गवर्नमेंट ने प्रगत नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट का अपील करता है हमने पेमा कमडो सरकार को, हमारा सीएम को हम रिक्वेस्ट करता है हमारा दोनों में फायर ब्रिगेड सर्विस गाड़ी इमीडिएटली प्रगत कर दो, हमारा यहाँ एक्सीडेंट अभी 4 टाइम्स हो गया दोनों में, मार्केट में हमेशा होता है ये सब करके था, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा एप्रिशिएट करके हमारा दोनों में फायर सर्विस को इमीडिएटली देने से अच्छा है, हमारा दोनों में फायर सर्विस को तकलीफ है, यहाँ करेगा बोलने से एक दो गाड़ी रखने के ताना में भी टेम्पोरी रख दे सकता है, जगह अवेलेबल है, हमारा गवर्नमेंट प्रगत करेगा बोलने से आज भी कर दो ना, हमारा दोनों में अदर से फायर सर्विस आते आते जोर जल के खत्म हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पब्लिक का सोच पीछे पब्लिक का दुष्ट तकलीफ तो यहाँ फायर के लिए थोड़ा तकलीफ तो है, पहले हमारा ये मेडिकल कॉलोनी में भी आग जला, उधर भी आग जल के पूरा सामान निकल नहीं पाया, एक बार शताब्दी मार्केट के रास्ता में इधर भी एक हमारा यहाँ का स्टाफ रेमो मार्केट का एम्प्लॉय का आदमी लगता घर जल गया, इधर भी कुछ सामान नहीं निकल पाया, आज तो कम से कम 7-8 दुकान का खत्म हो गया, बिचेरा वालों को क्या खरीदे साहब, गवर्नमेंट से तो कुछ मिलेगा नहीं है, जितना ये रूल अप्लाई करने से ज़्यादा 4-5 हज़ार होगा, ये लाखों करोड़ का आग जला है, इसका ये लैंड मालिक का भी इतना तकलीफ है, घर इतना तकलीफ से बनाता है, लैंड मालिक हमारा दावा पार्टी लोग साहब इतना दुखे भाग रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट लोग इसको देख के तरफ प्रोग्रेस करने से अच्छा है,
गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप लोग का काल को रिलीफ बोलेगा कुछ बोलेगा देने से 5,000 का पूरे देता ही नहीं है। ये हम लोग है अकेले।